मकर संक्रांति पर यह उपाय कर लेना, आपको हर हाल में मिलेगा आपका प्यार। मकर संक्रांति कहते हैं सूर्य के परिवर्तन को, सूर्य परिवर्तित हो रहा है, तुम्हारा यशगान होगा। मनचाहा विवाह करना चाहते हो, प्यार पाना चाहते हो, अपना रिश्ता सुधार लेना चाहते हो, अपने पति पत्नी के बीच में संबंध बेहतर बनाना चाहते हो, परिवार में खुशियां चाहते हो, परिवार में मंगल चाहते हो, परिवार में उन्नति चाहते हो, अगर रिश्तों में प्रेम चाहते हो, अपने जीवन में खुशियां चाहते हो, तो मकर संक्रांति 15 तारीख को है, ये उपाय जरूर करिए। फिर देखिए चमत्कार। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है, और लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। तुम्हारे रिश्ते में कहीं भी कोई दिक्कत हो, तुम्हारा संबंध जहां भी खराब हो रहा हो, बिटिया दामाद बेटी के साथ, बेटी और दामाद के साथ दिक्कत हो, बेटे और बहू के साथ दिक्कत हो, अपने बच्चे बिगड़ रहे हो, तुम्हारे स्वयं की लाइफ में कोई दिक्कत हो, शादी के पहले प्यार हो, शादी के बाद प्यार हो, आपका पति किसी और का हो गया हो, आपकी पत्नी कहीं और मन लग गया हो, या वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो, किसी भी प्रकार की कंडीशन है, जहां पर रिश्ता खराब हो रहा है उसका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। हमारे यहाँ पिछले 20-21 सालों से ये काम हो रहा है, और अब तक धन्यवाद करने वालों की संख्या 21 लाख हो चुकी है। यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है, और यह सब निरंतर जारी है ईश्वर कृपा से। यहाँ पर 4000 लोगों की टीम है जो रिसर्च कर रही है, और आपको लाभान्वित करने के लिए प्रयत्नशील है हम। इस यात्रा को कुछ दिनों से YouTube पर भी चलाया जा रहा है। कुछ ही दिनों में इस परिवार में, इस वंश में, इस कुटुंब में 1 मिलियन से ज्यादा लोग हो चुके हैं, और सब लाभान्वित है। हर व्यक्ति के जीवन में लाभ पहुंच रहा है, सबका जीवन बेहतर हो रहा है, स्वयं की लाइफ बेहतर हो रही है, और वो खुशियां पाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हर किसी के जीवन में परिवर्तन है। बगल में चल रही चैटिंग पर कोई भी ऐसा कहने वाला नहीं कि मुझे कुछ नहीं मिला, और अगर सच में ऐसा कोई है तो मैं स्टॉप करना चाहूँगा उन्हें प्रणाम करके कि साहब आपके लिए ये जगह नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद हम लोग एक दूसरे के काम के नहीं हैं। ये संप्रदाय अलग है, ये व्यवस्था अलग है, ये मंदिर अलग है, ये धर्म अलग है, और ये शायद प्रेम का धर्म है, ये प्रेम का मंदिर है, ये प्रेम की जगह है। यहाँ सच्चे प्रेमियों की जरूरत है, जो तपस्या करके अपने प्रेम को पाना चाहते हैं, अपने गुरु की तपस्या से प्रेम को पा लेना चाहते हैं, ये उनके लिए जगह। ना तो यहां सब्सक्राइब करना, ना डिसलाइक करना, ना लाइक करना, ना कमेंट करना, ना ही शेयर करना, ये सब हमारे बच्चे कर रहे हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, यहां सब अपने ऑटोमेटिक हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे बाबा मेरा नाम हो रहा है, सब चीजें अपने आप चलाई जा रही हैं, सब चीजें अनायास हो रही हैं, सब निरंतर चल रहा है। मकर संक्रांति इस बार 15 तारीख को मनाई जा रही है। मकर संक्रांति पर यह उपाय जरूर कर लेना। संक्रांति कहते हैं मिलन को, संक्रांति कहते हैं परिवर्तन को, संक्रांति कहते हैं सिस्टम की व्यवस्था को, परिवर्तन को। भाई संक्रांति का मतलब है कुछ भी अलग होना। दिमाग में जब परिवर्तन होता है, दिमाग एक से दूसरे को किसी और को चाहने लगता है, प्यार जब परिवर्तित हो जाता है, प्यार छोड़कर चला जाता है, इसको भी संस्कृत में संक्रांति ही तो कहते हैं। संक्रांति, एक राशि से दूसरी राशि का मिलन, एक राशि से बिछोह और दूसरी राशि के साथ मिलन, यही तो संक्रांति है। अगर आपका पार्टनर एक को छोड़कर दूसरी तरफ जा रहा है, आपका पार्टनर आपको त्याग रहा है, आपके साथ प्रेम कम हो रहा है, आपके साथ तालमेल कम है, तो मकर संक्रांति सबसे बेहतर तिथि है तुम्हारे लिए। चूंकि तिथि बारम च नक्षत्रम योगा करणमेव च। ये साहब पांचों चीजों का सम्मिश्रण कर पंचांग बनता है। सूर्य दक्षिणायन और उत्तरायण दो बार होता है। अगर सच मानो तो पश्चिमी देशों में तो घड़ियां तक
कई बार चेंज की जाती हैं। जो पश्चिमी देशों में रहते हैं, जो यूरोप में रहते हैं, उनसे पूछेगा साल में एक आध बार वो लोग पूरा पूरा घड़ी चेंज करते हैं, पूरा का पूरा टाइम चेंज करते हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता, हमें घड़ी भी छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ती। हमारे ऋषियों ने बड़ी परंपरागत व्यवस्था बनाई है, सब ऑटोमेटिक है, सब ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है यहाँ पर, फिर भी हम अपने आप को संकीर्ण समझते हैं। ये व्यवस्था सीधा प्यार के लिए है। माघ का महीना पवित्र पावन है, जब भी चाहें ये क्रम कर लें, उपक्रम कर लें, ये उपाय कर लें, सब तिथियां उत्तम कहलाती, लेकिन संक्रांति, क्या कह रहा हूं, वेदों को उड़ेल रहा हूं, ध्यान से समझना, कहते लेकिन संक्रांति पूर्णमासी है परम पुनीत गिनी जाती। वो परम पवित्र पुनीत पावन है वो तिथि, जिस तिथि पर तुम्हें उपाय करने की बात कर रहा हूं। सालों इंतजार करते हैं इस पर्व का लोग। इसमें खिचड़ी का दान करना, तिल का दान करना, इसमें घी का दान करना, ब्राह्मणों को भोग कराना, गरीबों को भोजन देना इत्यादि बहुत श्रेष्ठ कर होता है। और हाँ, जिन भाई बहनों में नहीं पटती, जिनके बच्चों में आपस में नहीं पटती, वो इन दिनों में पंचांग दान करें तो ठीक हो जाता है। कितनी छोटी सी चीज है, क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो जो पत्रा होता ना पंडितों वाला, वो जो तिथि पत्रिका है ना, वो अगर भाई बहन मिलकर के किसी भी आचार्य को, पंडित को, पुजारी को, पाधा को, जानकार को दान कर दे, आपस में भाई बहनों में प्रेम बढ़ जाता है। पति पत्नी में है तो घी के साथ घी और तिल रख करके मंदिर में दान करें, उनका जीवन बेहतर हो जाएगा। आज के दिन दान दक्षिणा करना, गंगा स्नान करना, विज्ञ बुजुर्ग सात्विक ब्राह्मणों को भोजन कराना, दीप दान करना, गंगा में दीप दान करना, ये सब तुम्हारे पुराने पाप ताप को समाप्त कर तुम्हारे जीवन में खुशियों को लाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये सब उपाय बड़े कारगर हैं। पर आज मैं ये सब नहीं बता रहा हूं तुम्हें, आज मैं तुम्हें बहुत स्पेशल उपाय बता रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि ये उपाय इसी दिन करना है और सिर्फ एक बार करना है, मात्र इतना कर लेने से आपके जीवन में प्यार की संक्रांति होगी, आपके जीवन में रिश्तों की संक्रांति होगी और आपका जीवन भी शुद्ध हो जाएगा। सीधा उपाय को लेकर के चल रहा हूं, उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरु जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ उस हर एक चीज के लिए जो मेरी जिंदगी में आपने खुशियां वापस लाके दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, आप मेरी जिंदगी में भगवान बनकर आए, मेरे बच्चों के चेहरे पे मुस्कान वापस लौटाई आपने। आपने मेरे हस्बैंड जिंदगी से उस औरत को हमेशा के लिए बाहर निकाल के मेरे घर परिवार को फिर से खुशियों से भर दिया। मैं आपका जीवन की आखिरी सांस तक ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। आपने जो मेरे लिए किया है वो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। आप अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर हमेशा बना के रखिएगा, हमेशा मेरे साथ रहिएगा, हमेशा आपका आशीर्वाद बना रहे मेरे परिवार पर, मुझ पर। कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी, मैं बहुत खुश हूँ। 2 महीने से घर में जो सुख शांति और खुशनुमा माहौल है वो सिर्फ आपकी वजह से है, सिर्फ आपकी वजह से। आपने मेरा बहुत बहुत कल्याण किया है
खुशियों से भर दिया है जीवन। थैंक यू गुरुजी, मेरे तरफ से, मेरे पति की तरफ से, मेरे परिवार के हर एक सदस्य की तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम गुरुजी, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाकर रखिएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद, आप खुश रहिए। जीवन में कभी कभी कुछ चीजें बार बार सुनने का मन करता है। कुछ ऐसे मैसेज आते हैं हमारे पास जिसे हमें बार बार बजाने का मन करता है। इसलिए नहीं कि हम आपको प्रभावित करना चाहते हैं, इसलिए कि हम खुद भी प्रभावित होना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि हमें वो करके तुम पर प्रभाव दिखाना है, इसलिए कि मुझे अपने आप पर उसका प्रभाव दिखाना है। चलो सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। आज हम कह रहे हैं कि आज का ये उपाय मकर संक्रांति वाले दिन ही करना है। इस दिन किया हुआ ये उपाय तत्काल प्रभाव से बेनिफिट देता है। आपको कुछ खास नहीं करना, आपको सिर्फ 7 काले तिल के लड्डू लेने हैं। इन 7 के 7 काले तिल के जो लड्डू हैं, इनको प्रयत्न कीजिए एक दूसरे के साथ किसी तरह से बांध लें। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर सही तरीके से बनाया हुआ है तो इसमें छेद भी किया जा सकता है, वैसे टूट जाते हैं अगर सही से ना बना हो। चूंकि गुड़ तार तार होने वाली चीज़ है ना, थोड़ा खिसता है, तो अगर ठीक से बनाया है तो इस पर छेद करके भी आप इसका माला जैसा बना सकते हैं। नहीं तो बांधा तो जा ही सकता है एक लंबे कपड़े में, है ना, कोई लंबा दुपट्टा करके उसमें आराम से इसको बांधा जा सकता है। इसको एक साथ बांध लें। ये अपने आप में 7 जन्मों का बंधन है। इसको रोली अक्षत चावल से हर गांठ को पूजित कर लें। पूजित करने के बाद इसको 7 को अपने सर पे, अपने हृदय पे, अपनी नाभि में स्पर्श करें और इसका माला बना करके चाहे 2 सेकंड ही सही अपने गले में थोड़ी देर पहने और जो मैं शब्द कह रहा हूँ इसको रिपीट करें। आपको बोलना है ओम घृणी सूर्याय नमः कृपम कृपा दातुम मुस्तृजेत। ओम घृणी सूर्याय नमः कृपा दातुम मुस्तृजेत। ये आपको 7 बार बोलना है। 8वीं बार आपको अपने मन में अपने उस पार्टनर का नाम लेकर के बोलना है कि वो मेरा जीवन पर्यंत के लिए हो जाए, 7 जन्मों के लिए वो मुझे चाहिए और उसका प्यार हमें मिले। चाहे शादीशुदा आप हैं तो भी, आप अविवाहित हैं तो भी, आप किसी भी कंडीशन में हैं तो भी, उसे जिस रूप में चाह पाना चाहते हैं वैसा आप कह सकते हैं। उसके बाद इस माले को केले पे या पीपल के वृक्ष के पास या कहीं भी सुनसान जगह में, खूब बड़े विशाल पेड़ में अगर आप इसे रखते हैं, कहते हैं संक्रांति कंप्लीट होते ही 24 घंटे में आपको उसका प्रभाव दिखाई पड़ने लग जाता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से करना। जो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं वो इसी माले को घी में खूब अच्छी तरीके से बाद में डिप करके खूब अच्छे से आग जला करके इसके स्वाहा कर सकते हैं। स्वाहा करने से थोड़ा तीव्र गति से प्रभाव पड़ता है, सामने वाले को विवश कर देता है। खूब मन से, खूब श्रद्धा से, खूब विश्वास से इस उपाय को करें और खुश रहें, मुस्कुराए, सुंदर बने। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना है और अपना बड़ा ख्याल रखने की कोशिश करनी है। सुंदर इतना बनना है कि कोई फोटो खींचे सोते समय भी, तो ऐसी आनी चाहिए कि दीवार पे लगा दें, है ना। तुम अपना ख्याल रखो, क्यों बकरा बनते हो? मेमना बनना, बकरी बनना कोई जीवन में अच्छा नहीं है। शेर बनिए, ठीक रहने की कोशिश करिए। रोकर, दुखी होकर, परेशान होकर, खुद को कमजोर करके जीवन में कभी कोई जीत नहीं सकता। जीतने के लिए आपको आगे बढ़ना है और श्रेष्ठ होना है, फिर आप जीत जाएंगे। तो अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। आपको सिर्फ अपना ख्याल रखना है, मुझे तो आपका भी रखना है, आपका, आपके प्यार का, आपके व्यापार का, सबका ध्यान रख रहा हूँ। खूब अच्छे से रहिए। ओम नमः शिवाय।